दोस्तों आज आप लोगों में दिखाएंगे। देखिए मेरे पास एक तो काम आया है ओप्पो रेनो 2Z, इसमें डिस्प्ले चेंजिंग के लिए काम आया है मेरे पास, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले किस तरह का चेंज हो जाता है, डिस्प्ले कौन सा है, मैं इसको सेट करूँ वही आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। इसको डिस्प्ले प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चले गए आप लोग को दिखा दो, लास्ट तक मेरा वीडियो कंप्लीट देखिए, आप लोगों को जरूर जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो ओप्पो रेनो 2Z मॉडल है, इसको देखिए, इसको देखिए डिस्प्ले कास्ट में ओरिजिनल जो ओलिड डिस्प्ले आता है ना, 100% ओरिजिनल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए जो ओलिड डिस्प्ले थोड़ा क्वालिटी अच्छा होता है ओलिड का, इसमें जो अभी सेट है ओलिड डिस्प्ले, तो वो क्वालिटी कस्टमर भी मतलब लाइन नहीं आना चाहता है, मतलब इसको कस्टमर भी सेट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो इसको देखिए लुकिंग तो बैक फैक ग्लास को तो बहुत ही अच्छे इस मॉडल को बनाया था कंपनी, इसको पॉपअप कैमरा है, इसको कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा है जो है उसको पॉपअप है। तो चलिए कोई बनी आराम से आप लोगों को मैं दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयरिंग हो जाता है, किस तरह से डिस्प्ले चेंज हो जाता है ना, वही आप लोग आज दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने देखिए आप लोगों को दिखा दो, और पीछे का बैक ग्लास का कलर जो देखिए उसको आप जो राउंड ओप्पो लिखा है जो उसको ओप्पो रेनो 2Z जो ऑप्शन है पे जो इसको राउंड बनाया ना, लुकिंग तो बहुत अच्छा लग बनाया गया, ठीक है। मेरे को तो देख के अच्छा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको देखिए आप लोगों को खोलते हैं उसका, फिर मैं आप लोगों को दिखा दो गाइस। तो इसमें देखिए गाइस, इसको आप लोगों में पहले बैक ग्लास को ओपन करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो बैक ग्लास ओपन हो गया फाइनली देखिए इसको, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको। देखिए पहले इसको जितना भी स्क्रू खोल लेते हैं यहाँ पे, देखिए नीचे का जो रिंगर बॉक्स उसको भी खोलना पड़ेगा। इसको देखिए डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है पता है ना, उसको देखिए नीचे का कनेक्टर हमें चार्जिंग बोर्ड में लाएगा। इसको चार्जिंग फ्लेक्स तो अलग ही होता है, इसको देखिए चार्जिंग फ्लेक्स कंप्लीट चार्जिंग पॉल में आएगा ना, तो कंप्लीट फ्लेक्स को चेंज करना पड़ेगा इस बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको देखिए ओपन हो गया, तो अभी इसको देखिए जो डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है इसको देखिए नीचे का जो बोर्ड में है, देखिए मेन बोर्ड में नहीं है, सब बोर्ड में इसको देखिए कनेक्शन है, ठीक है, देखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको तो बहुत सारे मॉडल का आता है इस तरह का कनेक्शन। तो अभी देखिए मैंने इसको आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार गाइस, देखिए इसको चलिए ऊपर का जो ऑप्शन है वो खोल लेते गाइस, ठीक है। ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है उसको भी खोलना पड़ेगा, चलिए उसको खोल लेते हो, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर रिमूव करके इसको डिस्प्ले को जो सेट करना पड़ेगा, बैटरी बैटरी उसको मतलब कनेक्शन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बने इसको देखिए मॉडल में अभी लिख दो रेनो 2Z। तो ये मॉडल आएगा रेनो 2Z, लेकिन ये जो डिस्प्ले अभी सेट करेंगे देखिए, तो ये डिस्प्ले आप लोग इसको तीन मॉडल में लग सकते गाइस, ठीक है। इसको देखिए ओरिजिनल तो डिस्प्ले नहीं लाएंगे, इसको देखिए TFT डिस्प्ले को सेट करेंगे, TFT। तो डिस्प्ले से जो मॉडल का मैं इसको डिस्प्ले पे सेट करेंगे वो तीनों मॉडल में लाएगा, ठीक है। चले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार कौन सा मॉडल में इसको डिस्प्ले सेट होगा। तो देखिए उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर उसको ओपन हो गया, और इसको देखिए पॉपअप कैमरा जो सिस्टम जो भी है अच्छा बना है कंपनी, उस टाइम जो बनने के मतलब तो बहुत ही बढ़िया इसको क्वालिटी बनाया था मोबाइल को, प्राइस भी बहुत ज़्यादा था इसको। तो ओप्पो रेनो 2Z मॉडल है, इसको डिस्प्ले था ओलिड डिस्प्ले, लेकिन कस्टम ओलिड डिस्प्ले अभी सेट नहीं करेंगे। 100% ओरिजिनल डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर के बाद अलग है, लेकिन जो मार्केट का जो ओलिड डिस्प्ले प्राइस है ना, वो मान लीजिए आपका वो करीब 4000 के करीब उसको प्राइस है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं यार, इसको जो मैं अभी डिस्प्ले सेट करेंगे इसका प्राइस मेरा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे इसको देख लीजिए कि कितना प्राइस आएगा डिस्प्ले का, जो अभी जो टेप्ड डिस्प्ले उसको सेट करेंगे सेफ। उसको देखिए फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें आपका देखिए पैटर्न लॉक लॉक जो भी लॉक काम कर जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ओरिजिनल डिस्प्ले की उसको देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे है इसको देखिए, लेकिन जो टेप्ड डिस्प्ले सेट करेंगे ना उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको दिखा देता एक बार, तो डिस्प्ले तो फाइनल ओपन हो गया, तो अभी मैं डिस्प्ले जो कौन सा सेट करें ना वही आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। इसको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया था इसको देखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको देखिए, मेरे पास जो LCD है, और इसको जो बात करा था अभी देखिए मैंने गाइस, इसको देखिए इसको तो इस तरह से लॉक तो सेट हो जाएगा। और अभी देखिए मैंने इसको जो फ्लेक्स का बात करें ना, कंप्लीट देखिए इसको जो चार्जिंग फ्लेक्स है ये देख रहे हैं, तो फ्लेक्स कंप्लीट चेंज होता है चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लेक्स को चेंज करना पड़ेगा जब चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो चले देखिए इसको TFT डिस्प्ले OG नाइस कंपनी का है, ये बहुत बढ़िया काम भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत सारे मॉडल का सेट करके भी आप लोगों को दिखाया गाइस, तो कोई बात नहीं, इसके कंपनी के ऊपर बोलने का जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है फिंगरप्रिंट का, तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। इसको देखिए जो मॉडल के बारे में बात करा था आप लोगों को, तीनों मॉडल में लाएगा। तो चले मैंने इसको जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए K3 में लाएगा, यहाँ पे देखिए तो Realme X में लाएगा, देखिए Realme X और एक रेनो 2Z। तो देखिए इसको तीनों मॉडल में डिस्प्ले लग जाएगा, इसको देखिए टेप्ड डिस्प्ले है, तो ये तीनों मॉडल में आप लोग इसको आपका अगर K3 होगा, Realme X मॉडल होगा, तो ये डिस्प्ले आप लोग सेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आप लोगों को अगर इस मॉडल का मोबाइल है तो डिस्प्ले चेंजिंग का ये भी वीडियो एक ही साथ इसको सेम टू सेम ये डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग को देखने का मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैंने आराम से देखिए डिस्प्ले को, यहाँ पे देखिए इसको तो ओरिजिनल डिस्प्ले का तो क्वालिटी अलग है, ओरिजिनल का ओरिजिनल बात उसके साथ नहीं होगा, लेकिन जो मेरा TFT डिस्प्ले हो तो क्वालिटी थोड़ा ब्राइटनेस कम ही रहता है, लेकिन टास्क फास्ट बहुत सही काम करता है। आप लोगों को सेट करके मैं दिखा देता हूँ एक बार गाइस, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको फिंगरप्रिंट तो काम नहीं करेगा, मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, इसको सिर्फ पैटर्न पासवर्ड जो लग रहेगा आपको वो लॉक काम करेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट काम नहीं होगा आपका। अगर फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते थे आपका ओलिड ओरिजिनल डिस्प्ले का 500 में लगाना चाहते हो, बहुत महंगे, और मार्केट में जो ओलिड डिस्प्ले है उसमें फिंगरप्रिंट शायद काम करेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, क्योंकि देखिए इसको फिंगरप्रिंट कभी कभी अभी मार्केट में ओलिड जो डिस्प्ले आ रहा है ना उसमें देखिए फिंगरप्रिंट मैक्सिमम मॉडल में काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहले जो ओलिड आ रहा था उसका प्राइस भी जो ज़्यादा था, लेकिन उसको काम भी करता था बढ़िया फिंगरप्रिंट, लेकिन अभी इसको फिंगरप्रिंट वाला काम नहीं कर रहा, लेकिन ओलिड डिस्प्ले क्वालिटी सही आ रहा है क्वालिटी डिस्प्ले का,
लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ मॉडल में ले रहे हैं, उसको फिटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए कोई बनी, मैं इसको देखिए साइड में जो भी है गम फम लगा के अभी इसको सेट कर रहे हैं, अभी गम तो लगा दिए, अभी डिस्प्ले यहाँ पे सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आराम से इसको देखिए। तो गाइस इसको देखिए डिस्प्ले अभी तो ऑन करके आप लोग क्वालिटी दिखा दो इसको, ठीक है। सेट तो हो गया, अभी चलिए इसको फ्लेक्स फ्लेक्स जो भी ओपन किया था डिस्प्ले को फ्लेक्स यहाँ पे लग जाएगा। अभी देखिए जो मैं इसको जो पीछे का जो कवर हुआ जो भी खोल के मैंने ओपन किया था सब कुछ यहाँ पे एक बार सेट कर लेता गाइस, ठीक है। सेट होने के बाद फिर आप लोग ऑन करके दिखा देता। और जो प्राइस का बात कर रहा था, डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा वो डिस्प्ले में देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा यहाँ पे देखिए आप लोग उसको प्राइस देखने का मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसको टेप टू डिस्प्ले प्राइस ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही है। तो चलिए इसको देखिए प्राइस आप लोग जानना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे देखिए मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक पेज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे देखिए छोटा चीज़ को अब मैं जरूर अपलोड करता हूँ, आप लोग को देखने का मिल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से मैंने इसको देखिए एलसीडी बैक ग्लास जो भी है कंप्लीट सेट हो गया, देखिए बैक ग्लास भी सेट कर लिया। तो अभी चलिए इसको ऑन करते गाइस, ठीक है। ऑन होने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए मैंने इसको देखिए ऑन करते, तो चलिए इसको देखिए ओपो लिखा तो आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए ऑन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए इसको ऑन हो देते। उसके बाद फिर मैं ब्राइटनेस तो और भी बढ़ेगा, यहाँ पे तो इतना ब्राइटनेस नहीं रहेगा। तो चलिए ये देखिए पासवर्ड खोल गया। तो अभी देखिए गाइस इसको इसको तो देखिए टास्क तो सही काम करे। इसको देखिए सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ना कुछ डार्क मूड फूट कुछ भी ऑन है, इसको चलिए पहले तो ऑफ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डार्क मूड सेटिंग यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन जो ऑन है ना उसको तो ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्राइटनेस डिस्प्ले का और भी तो ब्राइटनेस आएगा। तो चलिए चलिए इसको देखिए मैं सेटिंग को देखते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है। तो चलिए अभी तक तो ऑफ नहीं हुआ, इसमें ऑटो सर्च वाला, हाँ देखिए काम हो गया। तो अभी देखिए डिस्प्ले देखिए इसको मैंने इसको व्हाइट कर लिया, तो डार्क मूड ऑन था। तो अभी देखिए डिस्प्ले क्वालिटी देखिए गाइस, जिसको देखिए टास्क पर जो भी है सही काम करेगा, प्रॉब्लम में नहीं आएगा। तो ये डिस्प्ले आप लोग सेट कर सकते हैं कम प्राइस में, जिसका बजट नहीं है। देखिए मॉडल भी बहुत पुराना है, आप लोग सोचे इसके मेरा बहुत डाटा भी है मोबाइल में, उसको रिकवरी करना चाहते तो आप लोग इस कम दाम वाला डिस्प्ले को सेट करके यूज़ कर सकते हैं। डाटा वाटा जो भी रिकवरी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा। छोटा मोटा काम के लिए जोर आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोबाइल का आराम से यूज़ कीजिए, लेकिन फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। लेकिन बढ़िया है, आप लोग यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखिए टास्क सही काम करे, आराम से टास्क को काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टास्क लाइट ब्राइटनेस जो भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, डिस्प्ले तो सेटिंग आप लोग दिखा था, ओजी नाइस कंपनी का डिस्प्ले को सेट करे मैंने दिखा, कैमरे भी देखते हैं अभी, देख कैमरे भी सही है। तो चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू गाइस मेरे वीडियो पूरा देने के लिए। तो आज जो वीडियो देखकर आप लोग को जानकारी मिले, कोई सीखने का मिले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ डाउट भी रहेगा तो बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते बिना टेंशन में गाइस, ठीक है। तो चले गए तो आज के लिए इतने गए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।